ये सख्त चेतावनी समझे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से। गौ मांस की तस्करी की जा रही है, उसको अतिशीघ्र बंद किया जाए। गाड़ी अररिया की ओर से आ रही थी, इस तरह की तस्करी को अतिशीघ्र बंद किया जाए। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास गोलंबर के समीप बजरंग दल ने एक ट्रक में गाय का मांस को पकड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रक अररिया की तरफ से आ रही थी। इसी बीच 0 माइल गोलंबर के पास गुप्त सूचना पर बजरंग दल ने इस ट्रक को पकड़ा। वहीं मौके का फायदा उठाकर ट्रक का खलासी और ड्राइवर भागने में सफल रहा। बजरंग दल के द्वारा ट्रक को जब्त करने के बाद स्थानीय सदर थाना पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंचकर ट्रक को जब्त कर थाने लेकर चली गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार मोनू ने कहा कि गुप्त सूचना पर बजरंग दल ने इस ट्रक को पकड़ा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वह काम हम लोग किए हैं। आगे मनोज कुमार ने सरकार को चेताया कि इस तरह की गौ तस्करी और गौ मांस की तस्करी पर रोक लगाया जाए। गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका फलाना फलाना नंबर है, फलाने फलाने कलर का ट्रक है, उस ट्रक में गौ मांस भर के जा रहा है, वो दलकोला की ओर जाती, और हम लोगों ने यहाँ एक टीम गठित करके उस ट्रक को रोका। ट्रक पे जैसे कि यहाँ पे त्रिपाल से लदा हुआ ट्रक था, त्रिपाल से बांधा हुआ था, जैसे हम लोगों ने कुछ सदस्यों ने जा करके उसको ट्रक को खोला तो उसमें बर्फ से ढका हुआ एक बीप टाइट का बड़ा बड़ा गौ मांस सबका कुछ था उसमें, गौ मांस। कहाँ ले जाने की तैयारी, क्या लगता है? ऐसा लग रहा था कि दलकोला की ओर ले जा रही थी, और दलकोला की ओर से अब जहाँ चले जाए। गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी अररिया की ओर से आ रही थी, और ये जो अवैध गौ मांस का तस्करी हो रहा है, हम लोग कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं बिहार यहाँ से लेकर के बिहार सरकार तक को इस तरह की तस्करी को अतिशीघ्र बंद किया जाए। जो वैध है वही काम किया जाए, इस तरह का जो है अवैध काम नहीं किया जाए। ये सख्त चेतावनी समझे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से। ट्रक में तो सिर्फ 2 लोग सवार थे, उनके खलासी और ये ड्राइवर, जी वो भी भाग गए। पुलिस आई अभी ट्रक को ले चल गई है थाना, सदर थाना की ओर ट्रक गए हुए हैं, ट्रक को ले जाया गया है। हम लोग यही मांग करते हैं जो इस तरह की अवैध गौ तस्करी हो रही है, गौ मांस की तस्करी की जा रही है, उसको अतिशीघ्र बंद किया जाए। आए दिन यहाँ से सूचना मिलते रहती है हम लोगों को कि ये गाय का लदा हुआ ट्रक दलकोला की ओर जाती है, लेकिन सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाई थी। आज जा करके हम लोगों ने टीम गठित करके एक गौ मांस से लदे ट्रक को रोका है, और एक सफलता के रूप में कहिए, अगर प्रशासन इस पर कदम उठाती है तो ये सफलता हुई, अगर प्रशासन इस पर कदम नहीं उठाती है तो ये हम लोगों की विफलता हुई। एक आम आदमी हम लोग जो बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, वो मिलकर के हम लोग ट्रक रोके। जो काम उनको करना था ये था, वो काम आज हम लोग कर रहे हैं। देसवा न्यूज़ के लिए पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट।